बरसात में थोड़ी तकलीफ हो सकती है ड्राइविंग करने में, पर ये मौसम में आपको रोड भी एकदम क्लीन मिलेंगे। पर रात के टाइम ड्राइविंग करने में हमें ट्रैफिक वगैरह भी कुछ नहीं मिला। हम सुबह बहुत ही आराम से पहुंच गए। यहाँ का वेदर बहुत ही प्यारा था। आपको एसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कार में, आप बहुत ही आराम से आ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रैफिक नज़र नहीं आ रहा है मॉर्निंग के टाइम में। इसके अलावा आप बच्चे अगर आपके साथ हैं तो उनके लिए स्वेटर और टोपा ज़रूर कैरी कीजिएगा, अपने लिए भी एक शॉल। इताक्षी सो रही है, इताक्षी की मामी गई है थक, और मौसी का भी मुँह इताक्षी सो रही है, मम्मी और मामी हो गई हैं टायर्ड। देखो क्या हालत हो गई है, शायद वो जज के आने के बाद अब मुँह ऐसा हो गया है लटका लटका। अब थोड़ी सी नींद, अच्छी सी चाय और खाना। कैची धाम नैनीताल, देखिए सबकी हालत क्या हो चुकी है। हमारी प्यारी इताक्षी भी उठ गई है। बाहर बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है, पहाड़ों में धूप अभी आई नहीं है, इसलिए हम लोग अंदर बैठे हैं क्योंकि हम लोग अपनी जैकेट लाना भूल गए। आप लोग ऐसी गलती ना करें, जैकेट या शॉल ज़रूर कैरी करें। हम लोग हो गए हैं रेडी, अभी भी रेडी हो गई है, गीता कुर्सी रेडी होनी बाकी है। ये देखिए यहाँ पे हमें मिला था ये रूम, जिसकी हालत थोड़ी खस्ता थी, पर कोई नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। मंदिर के अंदर वो वीडियो और फोटोज़ लेना अलाउड नहीं है, तो हमने नहीं लिया, लेकिन दर्शन बहुत ही अच्छे हुए थे हमें। अगर आप नैनीताल आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग हम निकल चुके हैं नैनीताल के लिए, अब हम वहाँ घूमेंगे।